गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड पोएम, फोर्थ पोएम ऑफ हनीकॉम चीवी। बिफोर रीडिंग द पोएम वी डू सम वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोएम। ग्रोन अप, बड़ी उम्र के लोग, स्टेयर, घूरना विथ योर माउथ फुल, जोर जोर से, सिट अप, सीधे बैठो, ड्रैग, खींच घसीटना, लेस, कम, इंटरप्ट, बीच में बोलना, एल्बो, कोहनी, स्ट्रेट, सीधे, मेकअप योर माइंड, फैसला करो। डियर स्टूडेंट्स, राइट दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर फेयर नोटबुक। लेट्स स्टार्ट टू रीड द पोएम चीवी। चीवी मीन्स होता है स्ताना। आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, अपने आप से पूछो और साथ में अपने पार्टनर से। डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड, क्या तुम्हें ऐसा हमेशा कहना पसंद है। वट टू डू, हमें क्या करना है, और नॉट टू डू, और हमें क्या नहीं करना है। डू ग्रोन अप्स डू दिस, क्या बड़ी उम्र के लोग ऐसा करते हैं। इन योर एक्सपीरियंस, आपके अनुभव में। वैन माइकल वॉज 5 ईयर्स ओल्ड, माइकल इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। वॉज 5 ईयर्स ओल्ड, जब माइकल 5 साल के थे। हिज मदर टुक हिम टू ए नियर बाई स्कूल फॉर एडमिशन, उनकी माँ उन्हें स्कूल के एडमिशन के लिए पास के स्कूल में ले गई। द टीचर आस्क, टीचर ने पूछा, वट डज योर मदर कॉल यू एट होम, तुम्हारी मामा आपको घर पर क्या कहती है या क्या बुलाती है। चाइल्ड, बच्चे, माइकल डोंट, माइकल ने कुछ नहीं कहा। केम टू द कॉन्फिडेंट रिप्लाई, और बड़े कॉन्फिडेंट के साथ उसका उत्तर दिया। माइकल, दिस पोएम इज रिटन बाय माइकल रोजन। माइकल रोजन वॉज बोर्न 6 मई 1946 इन यूनाइटेड किंगडम। माइकल रोजन इज एन इंग्लिश ऑथर, चिल्ड्रन ऑथर एंड पोएट हु हैज़ रोटन अबाउट 140 books। ही इज सर्व्ड एज चिल्ड्रन लियोरिएट। ही इज आल्सो ए टीवी प्रेजेंटर एंड पॉलिटिकल कॉलम। नाउ स्टार्ट्स द रीडिंग ऑफ दिस पोएम। नोट, टू चीवी इज टू नेग। टू चीवी यानि कि स्ताना, इज टू नेग, नेग मीन्स होते हैं कि ये नेगेटिव वर्ड है। टू कंटिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग, इसका मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए लगातार अर्ज करना, मीन्स आग्रह करना। ऑफन इन अनोइंग वे, ज़्यादातर अनोइंग वे में, मीन्स कष्टप्रद या फिर नाराजगी वाले वे में कुछ करने के लिए कहना। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, डिक्शनरी के अनुसार। रीड द पोएम नाउ, आओ पोएम को पढ़ें। ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक, बड़ी उम्र के लोग हम इस तरह की बातें कहते हैं। स्पीक अप, जवाब दो। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, जोर से मत बोलो। डोंट स्टेयर, घूरो मत। डोंट पॉइंट, इशारा मत करो। डोंट पिक योर नोज, अपने नाक में उंगली मत डालो। सीट अप, बैठ जाओ। से प्लीज, कृपया। लेस नॉइस, कम आवाज। शट द डोर बिहाइंड यू, आते हुए अपना पीछे का दरवाजा बंद करो। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को घसीट कर मत आओ। हैवेंट यू गोट ए हैंकी, क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, अपने पॉकेट से अपने हाथों को बाहर निकालो। पुल योर सॉक्स अप, अपने जुराबों को ऊपर करो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ। से थैंक यू, धन्यवाद कहो। डोंट इंटरप्ट, बीच में मत बोलो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, इनमें से कोई भी तुम्हें आकर्षक नहीं समझता या मजाकिया नहीं समझता। टेक योर एल्बो ऑफ द टेबल, टेबल से अपनी कोहनी को हटाओ। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम किसी चीज़ में
खुद का फैसला नहीं कर सकते। दिस पोएम इज रिटन बाय माइकल रोजन। लेट्स डू सम क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम। डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप्स बिफोर यू आंसर देम। इन क्वेश्चंस को ग्रुप में डिस्कस करो बिफोर यू आंसर देम, उनका आंसर देने से पहले। व्हेन इज ए ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। जब हमें ये कहा जाता है कि जोर से मत बोलो, वास्तव में जो वो बड़ी उम्र के लोग क्या कहना चाहते हैं। व्हेन यू आर लाइकली टू बी टोल्ड दिस, से थैंक यू, धन्यवाद कहो, ऐसा बड़े लोग हमें कब कहते हैं। व्हेन डू यू थिंक एन अडल्ट वुड से दिस, नो वन थिंक्स यू आर फनी। जब हमें कोई ये कहता है कि तुम आकर्षक नहीं लग रहे हो, तो बड़ी उम्र के लोग यानी कि उम्रदराज जो लोग हैं ऐसा हमें कब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोहिबिशन और इंस्ट्रक्शंस। लास्ट की तो जो दो लाइनें दी गई हैं, व्हाट इज द अडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू, इसमें जो अडल्ट है वो बच्चे को क्या करने के लिए कहता है। डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग, क्या आप सोचते हो कि पोएट हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या सुझाव दे रहा है। दैट दिस इज अनरीजनेबल, या फिर ये बिना किसी कारण के कहा गया है। वाई, क्यों। वाई डू यू थिंक ग्रोन अप्स से द काइंड ऑफ थिंग्स मेंशनड इन द पोएम। Why do you think grown-ups say the kind of things mentioned in the poem? जो poem में जो चीज़ें बच्चों को करने के लिए कही गई हैं, बड़े लोग हमें ये सब करने के लिए क्यों कहते हैं। Is it important, क्या ये ज़रूरी है। That they teach children good manners, कि वो बच्चों को अच्छी manners सिखाएं। And how to behave in public, और public में कैसे behave करना चाहिए। If you, question number 4, if you had to make some rules for grown-ups to follow, यदि तुम बड़े लोगों के लिए कुछ rules बनाओ और उन्हें follow करने के लिए कहें, what would you say, तो तुम क्या कहोगे या क्या rules बनाओगे उनके लिए। Make at least 5 such rules, और हमें ऐसे 5 rule बनाने। Arrange the lines as in a poem, और इस poem में उन lines को arrange करो या जोड़ो। Today's work is to find out the answers of these questions. Thank you, students.